दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। दयानंद शेट्टी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार हैं। वह छोटे पर्दे के प्रसिद्ध शो CID में इंस्पेक्टर दया के मान से विख्यात हैं। पृष्ठभूमि: दयानंद शेट्टी का जन्म 11 दिसंबर 1969 कटप्पी कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्र प्रकाश शेट्टी और माँ का नाम उमा शेट्टी है। उनकी दो बहनें हैं, नैना संध्या। पढ़ाई: उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई उडुपी से संपन्न की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई रिजवी कॉलेज बांद्रा से पूरी की है। शादी: दयानंद शेट्टी की शादी शमिता शेट्टी से हुई है। उनकी एक बेटी है विवा शेट्टी। उन्हें साल 2002 बेस्ट लुकिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। करियर: दया अभिनय की दुनिया में आने से पहले एक खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी लेग इंजरी के वजह से उन्हें अपना स्पोर्ट्स में अपना करियर खत्म करना पड़ा। वह एक बेहद अच्छे शॉटपुट खिलाड़ी और डिस्कस थ्रोवर थे। उन्होंने अपने खेल जीवन के दौरान कई अवार्ड अपने नाम किए थे। वह वर्ष 1994 में महाराष्ट्र के डिस्कस थ्रो के स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1998 में सोनी के शो CID के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उन्हें चुन लिया गया। इस शो में वह सीनियर इंस्पेक्टर दया का किरदार निभा रहे हैं। इस शो में उनके अलावा शिवजी सतम, आदित्य श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में हैं। इसके साथ ही वह इस शो के कुछ एपिसोड्स के लेखक भी हैं। शो CID में दया अपने ताकत और भारी भरकम शरीर के लिए जाने जाते हैं। इसी शो का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग दया दरवाजा तोड़ो, जिसपे काफी चुटकुले भी बन चुके हैं। इसी डायलॉग का इस्तेमाल निर्देशक रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सिंघम रिटर्न्स में भी किया है। इसके अलावा दया कई सारे TV कमर्शियल और शोज में नजर आ चुके हैं। हमेशा गंभीर रहने और दिखने वाले दया एक साइलेंट कॉमेडी शो गुटुरगुम में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा दया कौन बनेगा करोड़पति एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा जैसे शोज बतौर मुख्य अतिथि भी नजर आ चुके हैं। वह कलर्स शो पर आधारित स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में बतौर प्रतिभागी दिखाई दिए थे, लेकिन वो टॉप से पहले ही शो से बाहर हो गए। फिल्मी करियर: दया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में फिल्म जॉनी गद्दार से की थी। हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सिंघम रिटर्न्स से मिली थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।